हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं सुजुकी एक्सेस 125 सॉलिड आइस ग्रीन कलर का डिटेल रिव्यू, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस, आपको यह कलर कैसा लग रहा है सुजुकी एक्सेस 125 का, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी स्कूटर के बारे में हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं कि सुजुकी ने इस स्कूटर में क्या क्या चेंजेस किया है, कितनी इसकी प्राइसिंग होने वाली है, कितना आपको इसमें माइलेज मिलती है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। तो सभी कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्कूटर के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो गाइस, यहाँ पे देखेंगे आपको जो इसकी हेडलाइट की सेटअप मिलती है, एलईडी हेडलाइट की कंप्लीट सेटअप मिलती है, जैसे हाई बीम लो बीम कुछ इस तरह से आपको मिलता है। हेडलाइट के चारों तरफ आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलती है, जिससे यह स्कूटर काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और अब बात करें इसके फ्रंट एप्रम की, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्रंट एप्रम आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ सुजुकी की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। इस कलर में आपको इसका फ्रंट एप्रम देखने को मिलती है, तो डुअल टोन कलर में आपको देखने को मिलती है इसका जो फ्रंट एप्रम है, वाइट और आइस क्रीम कलर में आपको देखने को मिलती है। और वैसे इसमें बात करें टर्न सिग्नल का, तो यहाँ पे देखेंगे हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको लगे मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों साइड में। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एलईडी डीआरएस लगा मिलता है, कुछ इस पैटर्न में आपको देखने को मिलती है, जिसका एलईडी डीआरएस इसमें ऑफर किया गया है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है इस स्कूटर में। और गाइस, यहाँ पे देखेंगे इसका जो आपको फ्रंट फेंडर देखने को मिलती है, वो भी आपको इसी कलर में आपको मिलती है, आइस ग्रीन कलर में मेटलिक का आपको इसमें फ्रंट फेंडर ऑफर किया गया है। अब बात की स्कूटर के फ्रंट सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो फ्रंट में आपको जैसा कि यह स्कूटर ड्रम और डिस्क दोनों वेरियंट में है, तो इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 120mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है। व्हील साइज आपको मिलती है इसमें 12 इंचेस का व्हील साइज दिया हुआ है, जिसमें आप नोटिस करेंगे इसमें आपको जो टायर लगा मिलता है इस स्कूटर में 90x90 12 इंचेस का फ्रंट में ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है। अब बात करते हैं इस स्कूटर के साइड प्रोफाइल की, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस स्कूटर का लेफ्ट साइड प्रोफाइल, तो कुछ इस तरह से इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल निकल के आता है। सॉलिड आइस ग्रीन कलर में सुजुकी एक्सेस 125 है, आपको यह कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब बात करें इसमें हैंडल बार की, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो स्विचेस ऑफर किया गया है इस स्कूटर के लेफ्ट हैंड बार पर, हाई बीम लो बीम टर्न सिग्नल और हार्न के यहाँ पे स्विच ऑफर किया गया है, और ग्रिपिंग आपको कुछ इस तरह से मिलती है। और मीटर कंसोल की बात करें, तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर किया गया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलता है, जिससे आप सुजुकी की जो ऐप है उससे आप पेयर करते हैं, कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें दिया है, ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स उसका बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे देखेंगे आपको डिजिटल क्लॉक आपको मिलती है, फ्यूल इंडिकेशन, इंजन मालफंक्शन, किलोमीटर, ट्रिप मीटर, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दो बटन्स दिया गया है, जिससे आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोड दिया हुआ है, तो इसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ पेयर मोड आपको यहाँ पे इनेबल हो चुका है, तो इससे आप ब्लूटूथ को पेयर कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको सुजुकी एक्सेस 125 मिलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आपको राइट हैंड बार पे आपको इंजन की स्विच आपको मिलती है, और पावर स्टार्ट का आपको स्विच मिलता है, इंटीग्रेटेड आपको देखने को मिलती है। और फ्रंट में आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आप यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं रखकर। तो इस तरह से इसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ, इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। और अब बात करते हैं इस स्कूटर के लेग स्पेस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको इसमें अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर ऑफर किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इसकी कलर देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगेज हुक यहाँ पर दोनों साइड में ऑफर किया गया है। अब बात करें इस स्कूटर के सीटिंग कंफर्ट की, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है सिंगल सीट आपको मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्राउन कलर में इसमें सीट आपको लगी मिलती है, तो इसका जो कुशनिंग है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी वाइडर सीट इसमें ऑफर किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सीटिंग कंफर्ट के मामले में आपको काफ़ी अच्छा इसमें कंफर्ट मिल जाता है इस स्कूटर में। और अब बात करें इसके अंडर सीट स्टोरेज की, तो आपको यहाँ पर कितना अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलती है 21.8 लीटर का आपको इसमें अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा आपको इसमें स्टोरेज भी मिल जाता है इस स्कूटर में। तो इसमें आपको डिसेंट स्टोरेज मिल जाती है, 21 लीटर का आपको बूट स्पेस दिया हुआ है, जिसमें आप एक छोटा हेलमेट ईजिली यहाँ पर रख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगा मिलता है इस स्कूटर में 5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लीड यहाँ पर दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। जो फ्यूल फिलिंग लीड आपको मिलती है क्रोम का यहाँ पे दिया हुआ है। और रियर प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो टेललाइट लगी मिलती है, बल्ब वाली टेललाइट लगी मिलती है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो सुजुकी की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। और टर्न सिग्नल आपको बल्ब वाले टर्न सिग्नल रियर में भी ऑफर किया गया है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस स्कूटर का रियर प्रोफाइल निकल के आता है। और यहाँ पे देखेंगे साइड पैनल पर, तो आपको एक्सेस 125 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। राइट कनेक्ट एडिशन की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको साइड स्टैंड इंजन कटआउट का आपको सेंसर मिलता है,
राइडर फुट पैक्स, ये सभी कुछ आपको इसमें लगी मिलती है। अब बात करें इस स्कूटर के इंजन की, तो इसमें आपको जो इंजन लगे मिलता है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जिसमें आपको जो मैक्सिमम पावर निकल के आती है इस स्कूटर में 8.6 bhp की एट 6750 rpm पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क निकल के आती है इस स्कूटर में 10 nm का आपको टॉर्क मिलता है एट 5500 rpm पे। अब बात करें रियर ब्रेकिंग की, तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है इस स्कूटर में, ड्रम ब्रेक आपको लगा मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया हुआ है, और रियर व्हील साइज भी आपको मिलती है 12 इंचेस का व्हील साइज मिलती है, जिसमें आप देखेंगे इसमें तो आपको यहाँ पर जो टायर लगा मिलता है 90/100 10 इंचेस का आपको यहाँ पर टायर लगा मिलता है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइट साइड प्रोफाइल, तो आपको स्कूटर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। राइट साइड में भी आपको एक्सेस 125 की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 3D में दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर राइट कनेक्ट एडिशन की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि दोनों साइड में आपको मिलता है, और SEP की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे जो इसका एग्जॉस्ट मिलता है कुछ इस तरह से, इसमें एग्जॉस्ट ऑफर किया गया है, और एग्जॉस्ट मफलर आपको देखने को मिलती है क्रोम फिनिशिंग में दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब बात करें स्कूटर के डायमेंशंस की, तो इसका जो कर्वेट निकल के आ रहा है 103 kg का इसका कर्वेट निकल के आ रहा है। ओवरऑल लेंथ मिलती है इस स्कूटर की 1870 mm का इसका लेंथ दिया हुआ है। विड्थ आपको मिलती है इस स्कूटर की 690 mm का इसका विड्थ दिया हुआ है, और ओवरऑल हाइट मिलता है 1160 mm का इसका ओवरऑल हाइट दिया हुआ है, और व्हील बेस आपको मिलती है इसमें 1265 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 160 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 773 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। फाइनली गाइस अब बात करें इस स्कूटर के एक्सोरूम प्राइस का, तो इस स्कूटर का जो एक्सोरूम प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 87,635 रुपी इसकी एक्सोरूम प्राइस है, और इसका जो ऑनरोड प्राइस होगा वाराणसी में 103,549 रुपये इसकी ऑनरोड प्राइस होगी। और इसमें आपको जो नियर अबाउट माइलेज मिलती है इस स्कूटर में 40 से 45 kmpl के आपको इसमें माइलेज मिल जाती है। तो दोस्तों ये रहा सुजुकी एक्सेस 125 सॉलिड आइस ग्रीन कलर का डिटेल रिव्यू, तो आपको ये रिव्यू और स्कूटर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।